अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का जहाज जिसको टाइटैनिक के नाम से हम सब जानते हैं, जिसको अनसिंकेबल शिप भी कहा जाता है, वो कैसे डूबा? आइए मैं उसके आपको चंद वजूहात बताऊं। 40,000 टन का ये जहाज जिसको 15,000 वर्कर्स ने मिलकर बनाया, 1200 दिन में बना ये जहाज कैसे ये 2 दिन के अंदर डूब चुका? अपने टाइम का सबसे बड़ा जहाज, अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पास करने के बाद पूरी दुनिया में इसकी धूम मच गई। हर कोई इस शिप पे सफर करने का ख्वाहिशमंद था। हजारों लोगों ने इस पर सफर करने के लिए टिकट्स खरीद रखी थी, कुछ इकोनॉमिक क्लास की और कुछ बिजनेस क्लास की, और बहुत सारे लोग ही इसको चलता हुआ देखना चाहते थे। जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी थी। 10 अप्रैल 1912, ये वो दिन था जिसका सारी दुनिया को इंतजार था। टाइटैनिक का पहला सफर इस दिन शुरू हुआ। अटलांटिक ओशन पूरी तरह पुरसकून था, किसी भी तरफ कोई भी तूफान का खतरा नहीं था। 1500 से जायद पैसेंजर इस पर सवार थे और लाखों ही लोग उनको अलविदा करने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए। जितने भी लोग वहां पर इकट्ठे हुए और जितने भी उस शिप में सवार थे, किसी को भी नहीं पता था कि इस जहाज में बहुत ज़्यादा गलतियां की गई हैं, जिसकी वजह से ये उसका पहला और आखिरी सफ़र होगा। शिप के कैप्टन, जिनका नाम एडवर्ड स्मिथ था, वो भी नहीं जानते थे कि ये जहाज़ के साथ क्या होने वाला है। इनको तकरीबन 40 साल का एक्सपीरियंस था। एडवर्ड स्मिथ पुरसकून थे क्योंकि वो अपने 40 साल के करियर में ऐसे बहुत से तूफानों से लड़ चुके थे, लेकिन वो नहीं जानते थे ये आगे क्या होने वाला है। व्हाइट स्टार लाइन जो इस जहाज को ऑपरेट कर रही थी, जिसने लगभग 107 जहाज ऑपरेट किए थे, वो भी नहीं जानती थी कि इसमें कितनी बड़ी गलतियां की गई हैं। साल में बने ये जहाज ने पहला टेस्ट तो पास कर लिया था। 10 अप्रैल 1912 को इनकी मंजिल न्यूयॉर्क थी। सबसे पहली गलती तो तब हुई जब इन्होंने स्पीड लिमिट को क्रॉस किया। मालकान ने एडवर्ड स्मिथ कैप्टन को 7 दिन की डेडलाइन दी। 7 दिन में इस शिप को न्यूयॉर्क में हर हाल में पहुंचना था, क्योंकि ये दुनिया का महंगा और अनसिंकेबल जहाज था तो इसकी रेपुटेशन का मसला था। मालकान किसी भी सूरत हाल में इसकी रेपुटेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। अगर किसी भी गाड़ी या किसी भी चीज़ के साथ कोई भी छेड़छाड़ करी जाए तो यकीनन उसका तबाह होना लिखा है। ऐसे ही बिल्कुल टाइटैनिक के साथ किया गया। इसके टूल्स के साथ गड़बड़ की गई, उसकी स्पीड लिमिट को क्रॉस किया गया। इस फिगर को हाई करते हुए टाइटैनिक ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ओशन क्रॉस कर चुकी थी। ऐसी ही कुछ गलतियों की वजह से आज 100 साल बाद भी टाइटैनिक शिप कुछ ऐसी दिखती है जिसको आज तक हमने अटलांटिक ओशन से नहीं निकाला, क्योंकि इसका वज़न 46 टन्स था। टाइटैनिक में इकोनॉमिक क्लास की टिकट $30 थी, जबकि बिजनेस क्लास की टिकट $150 थी। एडवर्ड स्मिथ को इस बात की फिक्र खाई जा रही थी कि टाइम बहुत कम है और डेडलाइन सिर्फ 7 डेज की थी। जहाज अपने सफ़र को रवा दवा था। अटलांटिक ओशन में चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। शिप की स्पीड एक लिमिट से क्रॉस कर चुकी थी। जहाज फ्रांस थोड़ी देर रुकने के बाद मुसलसल 72 घंटे से सफ़र करता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता अटलांटिक ओशन में चारों तरफ धुंध छाने लगी और विजिबिलिटी कम होने लगी। साथ चलते हुए एक जहाज ने, जो कुछ ही फासले पे था, वार्निंग दी टाइटैनिक को कि अटलांटिक ओशन में जगह जगह आइसबर्ग्स, मतलब बर्फ की चट्टानें थी। जराए का कहना है ये वार्निंग 5 से 6 दफ़ा की गई, लेकिन अमले की लापरवाही की वजह से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बाकी अमला फर्स्ट क्लास के पैसेंजर को सर्व करने में लगा था, क्योंकि फर्स्ट क्लास के पैसेंजर में VIPs भी थे, जिसकी वजह से सिर्फ चंद ही अमले के लोग जहाज पर निगरानी दे रहे थे। बाकी सारा अमला जहाज के पैसेंजर्स को सर्व कर रहा था। जहाज की स्पीड भी तेज थी और यहाँ पर आइसबर्ग्स की वार्निंग भी जहाज मौसूल नहीं कर सका था। चारों तरफ धुंध भरती जा रही थी, लेकिन जो जहाज का कुछ अमला अलर्ट था, उनके पास एक और बड़ी गलती थी। उनके पास देखने के लिए दूरबीन नहीं थी। वो नज़दीक की चीज़ें तो देख सकते थे, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख सकते थे। दूरबीन की
ना होने की वजह से वो आइसबर्ग के एक बड़े पथरीले चट्टान को नहीं देख सके। यही वजह थी, यही सबसे मेन वजह थी जिसकी वजह से अनसिंकेबल जहाज इस तरह पानी में डूब चुका। जब कैप्टन समित को इस बात का पता चला कि जहाज के सामने एक फुटबॉल की तरह आइसबर्ग्स है, तो वो फिर भी परसकून थे, क्योंकि ये इतनी बड़ी वजह नहीं थी। वो जानते थे कि वो इससे निपट सकते हैं। उन्होंने जहाज के तमाम इंजन को बंद करवा दिया और जहाज की डायरेक्शन चेंज करने को कहा, लेकिन जहाज सेंटर से टकरा गया। ये बहुत मामूली बात थी, क्योंकि ऐसे अटलांटिक ओशन में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जहाज आइसबर्ग से टकराते रहते हैं। लेकिन इसकी बड़ी मेन वजह और हम आपको बताते हैं। जहाज की साइड पे रिवेट्स लगे होते हैं जिन्होंने जहाज को आपस में जोड़ा होता है। जब टाइटैनिक ने आइसबर्ग्स को दरमियान में टक्कर दी, ये जो जहाज के रिवेट्स लगे हुए थे ये खुल गए। ये जो रिवेट से बताया जाता है कि ये स्टील के नहीं बल्कि कास्ट आयरन के बने हुए थे। ये रिवेट्स ने आपस में बड़े लोहे के टुकड़ों को जोड़ा रखा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हिस्सा खुल चुका था। लेकिन कैप्टन स्मिथ को अभी भी उम्मीद थी, क्योंकि इस जहाज़ को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर पर पानी चला भी जाए फिर भी जहाज़ को बचाया जा सकता है। लेकिन मसला तो तब हुआ जब जहाज़ पर पानी 4th फ्लोर पर चला गया। अब जहाज़ के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब जहाज़ को आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबने लगा। अब यहाँ पर वक्त आ गया था कि पैसेंजर्स को सेव किया जाए। जहाज़ में एमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया था। लाइफ बोट में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी गलती की गई। जहाज़ में लाइफ बोट्स की 32 रखने की जगह थी, लेकिन चूँकि इसका नाम अनसिंकेबल था तो उम्मीद थी सबको कि ये कभी भी डूब नहीं सकती। इसकी वजह से इसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई। ऐसे ही जहाज़ में अफरा तफरी चलने लगी। जहाज़ में बहुत ज़्यादा VIPs थे, वो चाहते थे कि सबसे पहले हम सेव हों, हम इस जहाज़ से निकलें और एक सेफ जगह पर पहुँच जाएँ। बस यही एक बड़ी वजह थी कि लोगों में अफरा तफरी फैल गई और पैसेंजर्स को सेफ जगह पर ले जाने की तैयारी शुरू की गई। ये 12:45 का वक्त था जब पहली एमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा जिंदगियों को बचाया जा सकता था, लेकिन लाइफ बोट्स में सिर्फ कम चंद जो VIPs लोग थे उनको ही भर के उतारा गया। अगर लाइफ बोट्स में कंप्लीट लोगों को फिल करके नीचे उतारा जाता तो हो सकता था कि बहुत ज़्यादा जाने बच सकें। इसी दौरान 2:18 पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे जहाज़ की लाइट चली गई और इसी दौरान जहाज़ टूट गया और 2 हिस्सों में बट गया। को तकरीबन 2:40 लगे मुकम्मल टूटने में। पानी का दर्जा हरारत -2 डिग्री था। अगर कोई इसमें छलांग भी लगाता तो कभी भी बच ना सकता। -2 डिग्री दर्जा हरारत में सिर्फ 30 मिनट के लिए इंसान जिंदा रह सकता है और तकरीबन 1500 से ज़्यादा पैसेंजर उसमें मौजूद थे। कहा जाता है कि अमले की जान पहचान के लोगों में बिना टिकट के लोग भी शामिल थे। इसमें तकरीबन बच्चे और ख़वातीन ही बचे गए और इस तरह अनसिंकेबल शिप जो है वो पानी में डूब गई। एंड पर सिर्फ कैप्टन स्मिथ बचे जिन्होंने आखिर पर छलांग लगाई और इस तरह अनसिंकेबल शिप टूट गई और उस वक्त की मोस्ट एक्सपेंसिव शिप जो तकरीबन 7.5 मिलियन में तैयार हुई थी और 200 दिन में बनी थी, वो ऐसे 2 दिन में ख़त्म हो गई। सो गाइस, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड सपोर्ट मी।